हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लिक्विड डो से गार्लिक फ्लैट ब्रेड, वो भी घर पर इतनी आसानी से कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 25 ग्राम के करीब ग्रीन ऑनियन लेंगे, जिसे आप पत्ती वाले प्याज बोलते हैं वो। इन्हें आप बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक आप इसे चॉप कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे एक बाउल में ये 200 ग्राम के करीब मैदा लेंगे, और साथ ही साथ एक टेबलस्पून के करीब हमने गार्लिक को कद्दूकस कर लिया है वो लेंगे, और एक चम्मच के करीब हम यहाँ पे नमक लेंगे, और जो हमने ग्रीन ऑनियन चॉप किए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और एक चम्मच के करीब हम यहाँ पे शुगर लेंगे, और एक टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर लेंगे। आप इसकी जगह पे आप ऑयल भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे पानी एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक बैटर बना लीजिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी में ये बैटर बना के तैयार कर लिया है। ये ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, आप चाहे तो कोई भी तवा कुछ भी ले सकते हैं, बस वो नॉन स्टिक होना चाहिए। इसमें हम दो से तीन टेबलस्पून के करीब हम इसमें बैटर डालेंगे, और इसे अच्छे इक्वली तरीके से हम इसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। जब ये ऊपर से इस तरीके से कुक हो जाए, तब आप इसे एक चम्मच की सहायता से इसको उल्टा कर दीजिए, और इसे हल्के हल्के हाथों से आप इस तरीके से प्रेस करते जाइए। ध्यान रहे, हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखनी है, हमें इसे हाई हीट पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, हमें इसे धीमी आंच पे ही कुक करना है, और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से टैप टैप करते रहना है। और जब तक हमारी इस नान में, इस ब्रेड में अच्छे से एक एयर ना आ जाए, जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए, तब तक हमें इसे इसी तरीके से उलट पुलट करके कुक करते रहना है, और ये हमारी गर्मा गर्म फ्लैट ब्रेड बन के तैयार है। इसी तरीके से मैंने अपनी एक एक करके सारी ब्रेड बना के तैयार कर लिए। आप यकीन मानिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बन के घर पे ही तैयार हुई है। ये कितनी मॉइस्ट और फ्लैटेबल है आप देख सकते हैं। आप भी ये इसी तरीके से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसे गर्मा गर्म छोले की सब्जी के साथ, आप इसे राजमा के साथ, आप इसे आलू की सब्जी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, ये गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए।